बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी तिल वाली टिक्कियाँ बनाना, जो बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, और ये झटपट बन जाएंगी और बहुत ही टेस्टी बनेंगी। जिस तरह के आजकल विंटर स्टार्ट होने वाले हैं और लोग जो है घर में इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तो बाजार से लाकर फिर खाते हैं, तो उससे अच्छा आपके घर में अपने बजट में रह के बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो बना सकते हैं। उसके लिए मैंने तिल लिए हैं, ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब तिल है मेरे पास, और 1/2 kg से थोड़ी सी कम वो मेरे पास जो चीनी है, तिल से थोड़ी सी चीनी ज़्यादा है, और जो है ये है किशमिश 2 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून में मेरे पास खोपरा है, गरी जिसे कहते हैं, और 1/2 टीस्पून सब्ज़ इलायची पाउडर है, और 1/2 टीस्पून ही इसमें मैं मीठा सोडा ऐड करूँगी। और ट्रे जो है वो मैंने पहले से घी लगा के ग्रीस कर ली है ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो वीडियो जो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपकी जो रेसिपी है मुझसे ज़्यादा अच्छी बने। जी, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है, और अपने प्यारे से एक मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है। आप इसको कढ़ाई में, देगची में, जिस चीज़ में मर्जी बनाना चाहें बना सकते हैं। और अब मैं इसमें तिल ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तिल को जो है वो हम बगैर ऑयल के, घी के, हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे पहले अच्छे से, ताकि इसमें से जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि हमें क्या करना है। ये देखें, हमारे जो तिल हैं वो रोस्ट हो रहे हैं, बस ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब इसको मैं जो है बाउल में कर लेती हूँ। इस तरह से किसी भी ड्राई बाउल में जो है इसको शिफ्ट कर लें। अब हम इसका शीरा बनाते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से जो है 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें घी ऐड कर दिया। आप इसमें बटर या देसी घी वो भी ऐड कर सकते हैं। अब ये जो है गरम हो गया है, अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चीनी को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। हम इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, हमने इसको कैरामलाइज करना है, तो ज़्यादा डार्क में भी नहीं लाना, अच्छे से इसका गोल्डन सा कलर लाना है। तो तब तक जो है इस तरह इसको मिक्स करते हुए हल्के हाथों से, और जो है फ्लेम जो है आपने हाई नहीं करना, ये ना हो कि आपकी चीनी जो है वो जल जाए। जी, ये देखें, चीनी जो है हमारी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है, और आपको लगेगा कि ये जैसे गुठलियाँ टाइप बनना शुरू हो गई है चीनी जो है, तो ये टेंशन नहीं लेनी, ये खुद ब खुद ही कैरामलाइज हो जाएगी। ये देखें, माशाल्लाह हमारी जो चीनी है वो मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। इसको हमने ना आपने अंडर कुक करना है और ना ही ओवर कुक। अगर अंडर कुक हो गई तो फिर ये आपके दांतों में खाते हुए चिपकेगी, और अगर ओवर कुक की तो फिर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो इसलिए हमने बहुत ही एहतियात के साथ इसको बस एक अच्छे सी जगह पर जो है हमने स्टॉप करनी, वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। और इसको हमने जलाना भी नहीं है, और एक अच्छा सा कलर देना जब तक ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। ये देखें, और साथ ही इसी स्टेज पर जो है हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए खाना बनाया करें, इससे एक तो खाने में बरकत होती है, और दूसरा खाना जो है वो बहुत ही लजीज बनता है। इससे जो है इलायची से बहुत ही अच्छी एक खुशबू इसमें से आएगी। जी, ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चीनी है वो अच्छे से कैरामलाइज हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह। अब इस स्टेज पर जो ये मेरे पास खाने वाला सोडा है वो इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से हम इसमें इस तरह से मिक्स करेंगे, 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, ताकि हमारा जो शीरा है वो अच्छे से ऐसे फ्लफी फ्लफी सा हो जाए। जी, ये देखें, अब इसमें तिल ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही ये ड्राई जो मेरे पास ड्राई फ्रूट है वो ऐड कर दूंगी। अब इसको बहुत ही एहतियात के साथ आप मिक्स कर लें, ये ना गुठलियाँ आपसे ना बने, बहुत ही एहतियात के साथ, नीचे भी ना गिरे। अच्छे से आपने फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल स्लो कर लेना है, और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त जो है वो इसकी लुक आई है, देखते हैं मुंह में जैसे पानी। ये देखें किशमिश, देखें कितनी फूल गई है इसमें। तो इसको इस तरह से तकरीबन 1/2 मिनट के लिए हम इसमें इसको इस तरह से जो है
चम्मच चलाते हुए इकट्ठा करेंगे ताकि ये अच्छे से जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाए और ये लिक्विड फॉर्म जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जी ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और जो जिस ट्रे में मैंने घी लगा के रखा था उसमें मैंने हल्के से तिल जो है वो जो है थोड़े हल्के नीचे से स्प्रिंकल कर दिए हैं, इससे इसकी लुक जो है वो टिक्कियों की बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। जी अब इस तरह से इसको चम्मच की मदद से आप सेट कर लें, इसको मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ और इसको हम तकरीबन जो है सेट करने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर, फिर हम इसकी जो है कटिंग मैं आपको बताती हूँ। जी ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सेट होना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी ये बहुत ही जो है हॉट है, गर्म है इसको, लेकिन इसी स्टेज पर अगर आप इसकी इस तरह से कटिंग नहीं करेंगे तो ये फिर बाद में कटिंग इसकी आपसे नहीं होगी। इसी स्टेज पर जो है आप इस तरह छुरी की मदद से जो है अपने हिसाब से जो है इसकी इस तरह टिकियाँ सी बना लें, अगर आप बड़ी आप पसंद करते हैं तो बड़ी बना लें, अगर छोटी करते हैं तो इसकी इस तरह से छोटी कर लें। पहले इस तरह इसमें लगा लें कट, ये अभी बहुत ही गर्म है, लेकिन इस स्टेज पर अगर आपने इसमें ना किया तो फिर बाद में मुश्किल हो जाएगी। इस तरह से मैंने लगा लिए, अभी इस साइड से भी इस तरह से इसमें जो है हम कट लगा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है अच्छे से जो है ड्राई हो चुकी है, ये देखें माशाल्लाह इतनी ईजीली इसके जो पीसीज हैं ये बन रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं उतने ही ये खाने में भी टेस्टी है। आप घर में बनाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को एंजॉय कराएं, गेस्ट आएं उनको सर्व करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। जी ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये बन के रेडी हुए हैं, आप घर में बनाएं, कम पैसों में आप ज़्यादा चीज़ जो है घर में साफ़ सुथरी जो है बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर हमारे घरों पर खुसूसी रहम और करम फरमाए, आमीन। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।